जय माँ भगवती आप सभी को और शुभ प्रभात। अभी सुबह सुबह का टाइम है और वीडियो शूट करने बैठे हैं और आप सभी को राधे कृष्ण। तो ये देखिए, ये सारा सामान है जो कि हमने धनतेरस के लिए शॉपिंग किया है। इसके बाद जो है सो प्रॉपर डिनर थाली का आएगा, जो कि ब्रॉन्ज कांसा फूल का बर्तन जो बोला जाता है उसका। इसमें जो भी पीतल का बर्तन जो न्यू ऐड हुए हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और कुछ कुछ एक बेडशीट मंगवाया है और चढ़ाने के लिए साड़ी जो आए हैं वो सब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या शॉपिंग हो रहा है। और तैयारी जो है सो आप लोग भी करना अब आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। तो पता नहीं कैमरा को क्या हो गया है, अच्छे से फोकस ही नहीं करता है। तो सर्वप्रथम जो कपड़े हैं थोड़ा बहुत वो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद ये सब दिखाएंगे कि ये क्या है। चलिए अच्छे से आप लोगों को कोशिश करते हैं कि दिखाएं। तो सर्वप्रथम ये देखिए एक साड़ी, ये है ये इस टाइप का, ये प्रॉपर साड़ी है। थोड़ा सा दूर से हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए ये साड़ी है, ये इसका ये पल्लू है, ये प्रॉपर जो है सो ये बनारसी सिल्क में साड़ी है जो कि चढ़ाने के लिए दिया गया है। अब ये चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा वो फिक्स नहीं है अभी। एक ये साड़ी हो गए और सिल्क में ही है साड़ी सारा। एक ये देखिए एक ये साड़ी है, ये भी सिल्क में ही है। ये देखिए तो ये पल्लू है, बीच का फैब्रिक इसमें नहीं दिख रहा होगा, बाद में कभी दिखा देंगे आप लोगों को। ये साड़ी है तो ये दो इसलिए है क्योंकि दो जगह पे चढ़ता है। एक षोडश मातृका पे भी अर्पित होता है श्रृंगार सामग्री, और माता लक्ष्मी को भी अर्पित होता है इस वजह से। ये देखिए ये धोती है, ये गमछे के साथ में ये धोती है, ये देखिए ये पीला और रेड धोती है। तो लक्ष्मी पूजा का जो भी सामग्री है वो बाहर में नहीं दिया जाता, अपने घर में ही यूज किया जाता है। तो ये दो धोती है, एक जो है तो गणेश जी को अर्पित किया जाएगा और एक नवग्रह देवता के लिए है। ये दोनों धोती है। चलिए अब दिखाते हैं आपको। तो बेडशीट वगैरह इस बार एक ही बेडशीट मैंने लिया है, ये देखिए इस टाइप का ये बेडशीट है। अभी खोलेंगे नहीं क्योंकि बिछाएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे। ये दो इसमें ये छोटा छोटा पिल्लो आया है, छोटा छोटा ये कुशन आया है दो, और एक बेडशीट आया है और दो पिल्लो कवर आया है। तो काफ़ी अच्छा लगा, इसका क्वालिटी तो ठीक ही है। अब बिछाने के बाद धुलने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। तो ये एक ही बेडशीट मंगवाया है क्योंकि बहुत महंगा महंगा 4-4 हज़ार का बेडशीट मैंने मंगवा के रखा है, और बहुत कम ही बिछाते हैं वो। लगभग जो जो लोग के भी पास होगा वो कम ही बिछाते होंगे। और ये देखिए इतना बड़ा डब्बा में आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कोई बड़ा सा सामान हम दिखाते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आए हैं कड़छी का पूरा सेट आया है, ये देखिए ये आया है कड़छी का सेट, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और एक सेट और है कड़छी का, वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, पहले इसको हम अच्छे से दिखा देते हैं। काफ़ी सुंदर है तो इसका दो सेट मंगवाए हैं हम। आप लोग भी चाहे तो मंगवा सकते हैं, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये देखिए ये, और काफ़ी हेवी है ये, इसका डिजाइन है ऐसा सा। और ये जो है तो हैंग करने के लिए यहाँ पे ये होल भी दिया हुआ है, ये इस टाइप का ये प्रॉपर ये हो गए। और उसके बाद जो है तो ये सारा ये पहले ही मुझे करके रखना चाहिए था ताकि टाइम कम लगता। ये इसके साथ में आया है एक, जो आप पकौड़े वकौड़े तलते हो उसके लिए आया है, और एक ये आया है करछी।
जल्दी जल्दी से कोशिश करते हैं दिखाने का, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद दिक्कत होने लगता है। तो ये कड़छी तीन का सेट आया है, आप लोग भी चाहें तो ये मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, बहुत हेवी है और बहुत वजन में है ये। तो इसका आए हैं, बताते हैं आप लोग, इसका दो सेट मंगवाया है। ये देखिए, ये एक सेट ये है। पहले ज़माने का जो भी है वो मतलब कि थोड़ा सा ना उसका बनावट थोड़ा सा भारी टाइप का रहता है, तो वो यूज करने में बहुत दिक्कत होता था। तो इसलिए दो सेट है, एक यहाँ के लिए है और एक गांव के लिए है। ये देखिए, ये तीन तीन का ऐसे सेट आया है। तो एक पहले मंगवा करके देखा था, काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आया, तो दूसरा ये ऑर्डर किया था। ये प्योर पीतल में है, ब्रास में है, आप लोग भी चाहें तो ये मंगवा सकते हैं। चलिए अब इसको साइड करते हैं, अब दिखाते हैं दूसरा। ये परात जो है तो ये लिया गया था नवरात्र के टाइम में, तो दो लिए थे, एक यूज में गांव में आया है और एक अभी ऐसे ही है, न्यू है, नवीन है, तो धनतेरस में इसका भी पूजन होगा। और ये सारा जो भी दिखा रही है सब धनतेरस के पूजन के लिए है। जो यहाँ का पंच, गांव का जो पंच प्रदीप था वो मिल नहीं रहा था, इस वजह से यहाँ का गांव में रखा है और यहाँ के लिए न्यू लिए हैं। ये देखिए, ये तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया। ये देखिए इस टाइप का है ये पंच प्रदीप, ये आरती उतारने में प्रयोग किया जाता है, ये इस टाइप से। अब चलिए दिखाते हैं आपको, ये कड़ाही। तो आप लोग बहुत बार देखे होइएगा हमारे यहाँ पे जो खाना बनता है, बहुत बड़ा बड़ा बर्तन है, छोटा इस टाइप का कड़ाही मेरे पास एक भी नहीं था। ये एकदम मीडियम साइज में है, इसमें जो है तो पूजा पाठ में सब्जी भोग वोग लगाने के लिए ना इसमें मतलब परफेक्टली मतलब बन जाएगा, 5-6 आदमी का खाना तो आराम से इसमें बन जाएगा। मेरे घर में जितने लोग हैं उतने लोगों का तो खाना इसमें बन ही जाएगा ये। और काफ़ी हेवी है, आप इसको मिट्टी के चूल्हा पर भी यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वालिटी में आया है, आप लोग भी चाहे तो ये मंगवा सकते हो। अगर आप लोगों को मंगवाना होगा तो आप मुझे बोलिएगा, हम इस सबका लिंक भी आपको दे देंगे। क्योंकि ये सारा जो भी हम आपको दिखाए हैं इसमें से बस पंच प्रदीप लोकल मार्केट का है और उसके बाद जो है तो परात लोकल मार्केट का है, बाकी सारा ऑनलाइन ही आया है। और देखिए क्या आया है, ये आया है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। जो पहले जो ब्रास का मैंने कप मंगवाया था ना, वो मुझे वो मतलब बहुत ज़्यादा वो दिखता था, मतलब गर्म बहुत जल्दी हो जाता था। ये देखिए बहुत ही हेवी और बहुत अच्छा है, ये मैंने मीशो से मंगवाया है और एकदम मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। इस टाइप से है ये, कप के साथ में ये आए हैं, ये प्लेट और कप आए हैं। तो इतना सभी हैं, और जो भी वीडियो जो प्रोडक्ट है वो आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाएँगे। एक बार जो है सो अच्छे से आप लोगों को दिखा देते हैं कि ब्रास में क्या क्या है और ये मतलब क्या क्या ये आया है, तो हम अच्छे से दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को भी ये हो जाए। चलिए अब दिखाते हैं आप लोगों को, ये वीडियो मतलब काफ़ी लंबा मेरे को लगता है हो ही गया। ये ब्रास में इतना आइटम हो गया और उसके बाद जो है सो ये जो मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।